कल दियो ते जमा करने वाला है दे दियो मेरे प्रभु। अच्छा जो वचन साडे दिल च जमा हो जावे और ये वचन सानू आने वाली तबाही तो बचावे मेरे प्रभु। ध्यान दियो मेरे प्रभु, इस जगह के ऊपर तुहाडे भवन दे विच बैठे एक एक जन के उपर मैं तुहाडी कृपा की मांग करना है। अगर आत्मा अद्भुत रीति सिखावे समझावे मेरे प्रभु जी, और मैं चाहना है थोड़ा दास होते ना फिर थोड़े के विनती करता कि हूं थोड़ा पवित्र आत्मा थोड़े बंदे की बोलने के विच और थोड़े लोगों की समझने के विच मदद करे ताकि मकसद पूरा हो जाए। और शुक्र करते हैं आने वाले समय जरूर हाथों के विच देंदे हैं और चाहते हैं प्रभु साड़ी प्रार्थना सुनो और इस प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम च होके सारे ही मिलके मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए, अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे लगाइए। हालेलुया। सारे तैयार सारे तैयार कलाम सुनने के लिए सारे तैयार बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं तुम्हें दसना चाहता हाँ अज लास्ट संडे है, पता किसी ने कि मैं सच बोल रहा 2020 दोबारा आना नहीं है। संडे आ जाना है पर वाला नहीं होना 2020 ना आप पिछे जा सकते हैं तो ना ही 2020 का जोड़ा संडे है वो अगे आ सकता 21 दे विच। मैं अज खुदावंद के कलाम के विचों तुहाडे नाल कुछ गल्लां रूबरू करनियां हैं। मैं चाहता हाँ कि यह जो चार पांच दिन बचे आ मैं चाहता इस दिन असं अपने आप को इस मानेंद्र बना लीए खुदावंद के काबिल बना लीए क्योंकि कमी रब दे विच नहीं है। कमी किहदे विच आ? इंसान दे विच आ जिहदे करके सानू चंगी नहीं मिली जिहदे करके सानू परेशानी तो छुटकारा नहीं मिलिया। और मैं चाहुंदा हां कि इह जिहड़े दिन चार दिन बचदे आ इहदे विच आपां अपने आप नूं रेडी करिए प्रिपेयर करिए तैयार करिए कि असीं खुदावंद दे कोलों अपनी चंगाई नूं लै लईए उहनूं नवें साल दे विच बीमारी नूं नाल नहीं लैके जाणा परेशानी नूं नाल नहीं लैके जाणा दुखां नूं नाल नहीं लैके जाणा आ। असीं परमात्मा दा इस माने दे घर नहीं आया कि असीं फ्री होके आजाद होके 2021 दे विच एंटर कर रहे हां। हालेलुया हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। 2021 दे विच जदों असीं एंटर करना है मैं चाहुंदा हां असीं बिल्कुल फ्री माइंड होके एंटर करिए। बीमारी नूं नाल लैके नहीं आना, परेशानी नूं नाल लैके नहीं आना, बोझ नूं नाल लैके नहीं आना, गुस्से नूं नाल लैके नहीं आना। और अज दे दिन असीं वचन दे वल ध्यान देना और इहनां नूं आपां अपलाई करना है। अगर किसी दे नाल कोई गुस्सा भी लाया चाहे मेरे नाल ही आ माफ कर देना, माफ कर दे। नवे साल च गुस्सा नाल नहीं लैके जाना, चाहे वचन लगा होवे ते गुस्सा आ गया होवे। हां पादरी साहब ने मेरे दिल ला दिता इस गल का गुस्सा होवे ते शमा प्राप्ति चाहते हैं। हालेलुया। अज रिश्तेदार विरात्मक भैन भरावान के नाल किसी गल का गुस्सा है आपको चाहिए है कि अज असी माफी दे दईए और माफी ले लईए। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहना कि असी जो गल्लां शैतानी
शरीर का संसारिक ज्ञान ये आप 2021 जो नाल लेके नहीं जानिया बीच ही छड़ दे बड़ा पैड़ा से कभी इन्हू दे दानिया एक ही नाल नहीं लेके जानिया एक ही चपन नवे बनना है। हालेलुया भाई तो कहते हैं जो मसीह दे विच आ गया वो की हो गया की हो गया नवा बन गया नवे बन जाना नवे बन के 2021 दे विच अपना एंटर करना है। क्रिसमस बहुत वधिया रहे 24 नाइट बहुत वधिया रहे खुदावंद दा धन्नवाद है बच्चिया ने सारिया ने भैणा भरावां ने बड़ी मेहनत की और सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे खुदावंद दा धन्नवाद है और मैं चाहूंगा कि हुण आप अपनी जिंदगी भी सवार लेंगे झाड़ू मार लेंगे खिलारा चुक लेंगे हाँ गंदगी हटा लेंगे। हालेलुया हालेलुया थैंक्सगिविंग दिन का टाइम है पूरे जो रेगुलर चर्च आते उन्होंने पता है कि जो फर्स्ट सैक्शन होता है प्रार्थना का पहला जेद मोस्टली ज्यादातर लोग नहीं शामिल होंगे जो पहला सैक्शन होंगे प्रार्थना का वह थैंक्सगिविंग का होंगे धन्यवाद की प्रार्थना होंगी है कि खुदावंद ने बीते दिन च पलों च सकेंटा च संभाल के रखे उसका धन्यवाद करना कि परमेश्वर ने सानू जिंदा रखा साडे परिवार को संभाल के रखा और सानू अपने परिवार चो बना के रखा उसके लिए धन्यवाद करना होंगे खुदा का और मोस्टली ज्यादातर लोग उस सैक्शन तो बाद ही आ कोई आराधना के टाइम पर आता है कि उस सैक्शन तो बाद आता है पर मैं दसना चाहता है अज तुहानू जरूरत है थैंक्स गिविंग देने की कि खुदावंद ने सानू संभाल के रखा लॉकडाउन से का जरूरत को पूरा किया हाँ हर एक चीज खाने दी हर एक चीज को मुहैया करवाया उदा थैंक्स करना कईयां ते बहुत बुरा साल से 2020 पर खुदा का बहुत धन्यवाद है उन्हें भुखे नहीं सौन दिता कि मैं सच बोलना और उदा थैंक्स करना धन्यवाद करना अपने करीब लेके आता धन्यवाद करना अपने नजदीक लेके आता खुदावंद का धन्यवाद करना क्योंकि इंसान रब नू कुछ नहीं दे सकता तुहानू पता जेडे असीं साह भी लै रहे हो भी रब दे दित्ते सिर्फ एक धन्यवाद ही दे सकता है रब शुक्रगुजारी की भेंट दे सकता है बस होर कुछ नहीं दे सकता क्योंकि सारा ही कुछ खुदा का दिता हो समझ मारे और ही प्रार्थना के शामिल नहीं होंगे थैंक्सगिविंग की प्रेयर के शामिल नहीं होंगे सैक्शन के शामिल नहीं होंगे और जरूरी है थैंक्सगिविंग की प्रार्थना के शामिल होना और मैं तुम्हें दसना चाहता आखिरी संडे है 2020 का आप थैंक्सगिविंग के उपर ही कुछ गल् सीखते हैं बाइबल के कुछ गल् सांझियां करता है तुहाडे नाल रूबरू करता है मेरे नाल ओपन करिए जिन्हें पहला कढ़ लिया अज के दिन की बरकत होती है मैं पहला दस पर मैनू नहीं लगता कि कोई जल्दी कढ़ पाएगा अजरा का पुस्तक कई ने सुनिया पहली गल भाई की है अजरा का पुस्तक हाथ खड़ा कर दिए फिर मैं देख ला कई दिन में नेम छूना ओहो पर मेरी बाइबल टूटी है लग गया मेरी बाइबल ऐसे ज्यादा पुस्तक ओदा 3 नंबर अध्याय जिन्हें बाइबल के नाल प्यार है वह जल्दी खुल जाता है लभ जाता है। हाँ जी पढ़िए जी करिए शुरू मिल गया सारे पुराने नियम के 600 नंबर पेज के उपर पंजाबी की बाइबल पुराने 600 नंबर पेज के उपर
एज्रा का पुस्तक और तीन नंबर अध्याय और ग्यारह नंबर पंक्ति असि पढ़ना है। मैं पढ़ सारे ने सुनना बड़े ध्यान के नाल। मैं दसना चाहता हाँ कोई भी बंदा रब के घर के बिच रब की मर्जी तो बिना नहीं आता। अज तुम्हारी जिंदगी के बिच खुदावन की मर्जी पूरी हुई जो तुम घर हजूरी के खुदावन को चंगा लगा कि अज का संडे थोड़े नाल सेलीब्रेट करे सारी कलीसिया। हालेलुया खुदावन को चंगा लगा। असि प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी गल है, प्रार्थना के बैठते हैं बहुत अच्छी गल है, पर गल गौर करने वाली यह है कि साड़ी प्रार्थना जी खुदावंद को पाती है कि साड़ा प्रार्थना के समय बिताना खुदावंद को चंगा लगता है। इस गल के उपर गौर करने की जरूरत है। थैंक्सगिविंग देनी है खुदावंद को। मैं पढ़ना चाहता तुम सुनना बड़े ध्यान के नाल। एज्रा का पुस्तक उसका तीन नंबर अध्याय और ग्यारह नंबर पंक्ति इस तरह करके लिखा कि वह बारी बारी यहोवा की उस्तत से धन्यवाद गा के आखने लगे कि वह भलाया ते ओदी दया इसराइल उत्ते सदीप काल दी है। यहोवा की उस्तत करदिया सारे लोगों ने उच्ची गिनती ललकारिया इसलिए कि यहोवा के भवन की नींव धरी गई सी। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहते वारी वारी सिर उन्होंने यहोवा की उस्तत करके तो धन्यवाद गीत गाए धन्यवाद गीत शुक्रगुजारी की जो वह पूरे चैप्टर में पढ़ोगे फिर पता लगना टाइम नहीं है सारा पता। थैंक्सगिविंग दी कदों जो असीरी तो बाद आए। असीरी मतलब गुलामी तो बाद आए जकड़न तो बाद आए उन्होंने थैंक्स किया खुदावंद। जिदा असी इस साल के बहुत भयानक बीमारी तो बाद आए खुदावंद ने बचा के रखे सानू सारे। कि मैं सच बोल रहा बाइबल कहता जो इसराइली लोग असीरी तो बाहर आए जो लेवी जज सारे जो गुलामी तो बाहर आए और उन्होंने थैंक्स गिविंग दिता खुदावंद की दिता थैंक्स गिविंग दिता। कला डंडा पाउन के नाल कुछ नहीं होना और होटा का बलिदान चाहिए। हालेलुया। कई मन की तसली यह होती है कि मेरे को इन्ने सके मैं पा देते हैं ये मेरा बलिदान आ खुदावंद के लिए। वो होटा के बलिदान तो ज्यादा खुश होता है बाइबल इदा कहती है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जब वो असीरी के बाहर आए जो यहोवा के भवन की नींव धरी उन्होंने धन्यवाद गा के खुदावंद का शुक्र किया थैंक्सगिविंग दी खुदावंद को। अज साडी भी नींव रखनी है अज साड़ी भी नवी जिंदगी की नींव रखनी है नवे साल की नींव रखनी है उन्होंने मजबूत कर ली है उन्होंने स्ट्रोंग कर ली है। थैंक्सगिविंग खुदावंद को दे के शुक्रगुजारी की भेंट खुदावंद को दे के अपनी जिहड़ी नींव असी मजबूत कर लीए स्ट्रोंग कर लीए आत्मिक नींव। मैं शरीरक और संसारिक नींव की गल नहीं करता। कई लोग आत्मा के विच गिरते हैं कमजोर पैंदे उन्हां दा कारण यही है कि वह अपनी नींव वल ध्यान नहीं दिंदे जिहड़ी नींव है उहनूं स्ट्रोंग नहीं बनाउंदे और उहदे उप्पर उसारी करते रहते आत्मा की उसारी करते रहते वधदे रहते वधदे रहते और एक दिन डिग जांदे। कारण इहो आ नींव जिहड़ी है मजबूत नहीं क्योंकि बाइबल तो इहो कहिंदा आत्मा के विच तरक्की करते जाओ सरगर्म रहो वधदे जाओ खुदावंद नूं पाओ नजदीक जाओ खुदावंद दे। इह कितना होणा स्टैप बाय स्टैप बाय स्टैप असीं वधदे जा रहे हैं उच्चे होंदे जा रहे हैं पर नींव का भी तो ख्याल रखना पैना कि नहीं। जे नींव कमजोर है तो तुहाडा उच्चा कीता जाना उहदा कोई फायदेमंद नहीं है तुहाडे लई। एक ना एक दिन शैतान तुहानू गिरा देगा। सब तों पहले अपनी नींव नूं मजबूत करो। अपनी नींव नूं जदों तुसीं मजबूत कर लिया फिर खुदा दे विच तुसीं जदों वधोगे ते शैतान तुहानू गिरा नहीं सकदा तुहानू कमजोर नहीं कर सकदा तुहानू गुमराह नहीं कर सकदा परेशान नहीं कर सकता। पॉल कहता है बाइबल पढ़ो तो पता लगेगा कहता कि चीज है संसार की जी मैं खुदा के प्यार तो अलग कर सकती पैसा धन दौलत भोजन पाका की कहता कुछ भी नहीं तूफान कहता कुछ भी मैं खुदा के प्यार तो अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। और अगर साकी
स्टेटमेंट किया और पॉल भी स्टेटमेंट किया और सभी स्टेटमेंट किया कि असि पॉल की तरह कह सकते हैं कि खुदा की हजूरी तो मैंने कोई भी चीज हाजिर नहीं कर सकती, मैं परमेश्वर के भवन के जाना उन्होंने शुक्रगुजारी की भेंट देनी है क्योंकि उन्हें मैंने अच्छी जॉब देती है, अच्छा परिवार दिता, अच्छा लाइफ पार्टनर दिता, अच्छे बच्चे दिते हैं, थैंक्स करना है। पूरे शेगे ने संभाल के रखा, तमाम बाबा बीमारियां तो दुखा तकलीफ एक्सीडेंटा तो दुर्घटनावां तो बचा के रखा, मैं उधर थैंक्स करना चाहना उधर भवन के जिदा जो तुम आए हैं। हालेलुया, खुदा बंदा कहना हर संडे आओ, मैं थोड़ा इंतजार करना है कि तुम आओगे जो भलाइया मैं थोड़े नाल करती आया थैंक्स दो खुदा का, पर मेरे भी ज्यादा पूरे लोग गल नहीं कर पा रहे, कारण अपने रुझेवियां दे विच रुझे होने दे कारण। बाइबल कहता परमेश्वर कहता रुझेवियां च रुझे रहो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिन खुदा नूं दिओ, वह भी अद्धा अद्धा दिन खुदा नूं दिओ, बाकी अद्धा दिन फिर तुहाडा ही है। ईमानदार बनो जिदा वह ईमानदार है, बोलो हालेलुया। वफादार बनो जिदा वह वफादार है, बाइबल कहना पवित्र बनो जिदा तुहाडा घल्लण वाला पवित्र है, उसी तरह बढ़ो। यीशु मसीह ने परमेश्वर को वफादारी दी, खुदा का काम भी करते रहे, खुदा के नाल समय भी बिताते रहे, एकांत दे विच जांदे रहे पहाड़ के उपर दुआ करन दे रहे, और अज्ज इन्ना तो रुक जाते कि साडे कोल दुआ करन दा टाइम ते पुछो ते कहंदे असीं पवित्र आत्मा पाया होया, पर मैं जो महसूस करदा मैं भी पवित्र आत्मा पाया होया, जे तुसीं पाया ते मैं भी पाया, पर मैंने पता कि जे एक 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 टाइम दुआ ना हो पवित्र आत्मा तक आदर ला पाता कि चल मैं दुआ, पर मैं यह नहीं पता कि थोड़े अंदर कि पवित्र आत्मा काम करता जो तक नहीं लगता। बाइबल मददगार पवित्र आत्मा थानू मिले आया, वो मददगार है कि तुम कमजोर पेंदे हो तो खड़ जाता आते कि चलो उठ खड़ा हो, कमजोर नहीं पैना रब के काम कर रहे हैं। पर मेरे को नहीं समझ लगता तो अंदर जरा खुदा का पाकर हुआ वो तो धक्का क्यों नहीं लगता, वो तुम उठा क्यों नहीं है, वो तुम जोर क्यों नहीं लगता, अंदर महसूस क्यों नहीं होता कि असं अच दुआ नहीं खुदा समय नहीं बिताया। मसीह जीवन साल वाला जीवन नहीं है, क्रिसमस से आप आगे तो बस ठीक है, या क्रिसमस से आगे जहां महीने च एक बारी आगे जहां हफ्ते च एक बारी आगे, यह मसीह जीवन नहीं, मसीह रोज का जीवन। तुम अपने घर गुजारो खुदा के नाल समय, अपने घर खुदा के नाल समय बिताओ, यह मसीह जीवन है। थैंक्स गिविंग दो, सुबह गए हुए हैं शाम को आए हैं, थैंक्स गिविंग दो, टाइम कढ़ना पड़ा निकलता नहीं है, कढ़ना पड़ा है टाइम। हालेलुया, हर पल के लिए उनका धन्यवाद करो, जे अस आ गए हैं निकल गए हैं दोबारा पता नहीं होने कि नहीं होने की, मैं सच बोल दूं थैंक्स करते जाओ। दाऊद कहता मरिया होया बंदा ओदा धन्यवाद कर, जीवंदे जी कहते ओदा धन्यवाद, जीवंदे जी धन्यवाद, अगर असं जीवंदे हाँ तो ओदा धन्यवाद करिए, ओदा असर तुहानू मिलेगा। मरण के बाद ना कोई तौबा है ते ना ही धन्यवाद है ते ना ही कोई सुनने वाला है, जिहड़ा शरीर दे विच ही मर गया पवित्र आत्मा पाई भी नहीं, जीवंदे हाँ असं धन्यवाद करिए, दाऊद कहता जीवन जी उसका धन्यवाद है, और नींद मजबूत करिए। मैं फिर तो रिपीट करता है, 11 नंबर पंक्ति लिखा वारी वारी यहोवा की उस्तत ते धन्यवाद गा के आखण लगे कि वह भला है, ते वो की दया इसराइल उत्ते सदीप काल दी है, यानी कि मसीह लोगों के ऊपर यहोवा की उस्तत करते हैं, सारे लोगों ने उच्ची दे के ललकारिया इसलिए कि यहोवा के पाबंदी नींद धरी गई सी, नींद धरी गई सी। अज साडी भी जरूरत है, सानू भी जरूरत अपनी प्रार्थना के वादा करने की कि वो साढ़े अच्छ आत्मक नीर मजबूत होनी है, अच्छ असं अपने आत्म नीर जी रखनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, किन्ने समझ पा रहे हैं, आत्मक नीर जी स्ट्रोंग रखनी है, कमजोर नहीं करनी, कमजोर होगी तो कभी भी शैतान तुम गिरा सकता, कभी भी अपने चाल के फसा सकता, कभी भी वह खड़ा कटेगा चाल बिछाएगा तुम फस सकते, अगर नीव कमजोर है नींव को मजबूत करो ताकि तुम फस ना सको, चाल तो तुम अपने आप को बचा सको। हालेलुया, हालेलुया।
और बाइबल च मैं तुम अगे लेके जाना चाहता पहला इतिहास और 16 नंबर पंक्ति पहला इतिहास और 16 नंबर पंक्ति और 34 नंबर आयत में पढ़ना 16 नंबर अध्याय है 34 नंबर पंक्ति है। हाँ जी तुम सुनना है बड़े ध्यान दे नाल मैं पढ़ना है मैं रिपीट करना पहला इतिहास का पुस्तक और 16 नंबर अध्याय और 34 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया कहिंदे यहोवा दा धन्नवाद करो ते ओ भलाया ते ओ दी दया सदा दी। अगर तुम इंग्लिश का बाइबल पढ़ोगे दया दे ते ना भी मतलब ओदा प्यार सदा दा सदा दा ओदा प्यार ओदी दया सदा दी ओदी दया साडे उपर आ ताई असीं जिउंदे आ ताई असीं अज तक संभाले गए आ ताई अज तक साडे बच्चे सुरक्षित आ असि खुद सुरक्षित हाँ खुद संभाले गए अच्छी जॉब नाल बैसे हाँ अच्छा करता चलना पे बहुत गुड हाँ ये खुदाबंद की दया है। हालेलुया दया है साढ़े उपर असि धन्यवाद करना है इन्हें समझ पा रहे मैं फिर तो रिपीट करना लेकिन यहोवा का धन्यवाद करो भाई वो भलाया दया सदा दी गया। हालेलुया किन्ने समझ पाए ओदा धन्नवाद करना ओदी दया दे लई ओदे प्यार दे लई जो साडे उपर आ और बहुत सारी दुनिया है तुहानू पता बहुत सारी दुनिया और देखो उन्हें सानू चुन लिया अपने पुत्र दियां होण दा हक दित्ता नहीं तां अज्ज भी असी किते घूमदे फिरदे होणा सीगा उन्हें सानू बचा लिया उहदी दया साडे उपर होई उन्हें अपने प्यार नू साडे उपर उड़ी लिया जे ओह इहदा ना करदा जे ओह कृपा ना करदा अज असी इस थां दे उपर ना बैठे होंदे मेरा इह मनना है। ओह बंदा लुधियाणे होंदा होटल दे विच होंदा हां लुधियाणे तो आता लड़का और सब तो पहला आता है मैं अनमोल की गल करदा लुधियाणे तो आता है और अच ठंड कि तुम पता और लुधियाने को 10 बजे से पहुंचा हुआ और अपने को ठंड लग रही धुंद थोड़े घरे बड़ी पी मेरे कहने का भाव आ थैंक्स गिविंग जो पार्ट आ प्रेयर का वो जरूर शामिल होया जरूर हिस्सा लिया थैंक्स गिविंग का आ जेड़े टाइम उस 11 बजे शुरू हो जाता है जे कोई अच्छा करता तो मैं प्रेज करता जो कोई बुरा करता तो इतने खड़े होकर दसदा अनमोल ध्यान रखना पता है सारे बच्चे हालेलुया लिखे यहोवा का धन्यवाद करो तो यो भलाया दया यानी कि ओदा प्यार सदा दीकदा है। हालेलुया इस गल दे लई धन्नवाद करना है कि ओदी दया साडे उपर सदा दी है थोड़े टाइम दी है लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है। हालेलुया ना खत्म होने वाली ना रुकने वाली ना समाप्त होने वाली सदा दी है और ओदा धन्नवाद करना ओदी उस्तत करनी मेरे तक गवाइया पहुंच दिया तो मैं बड़ा हैरान हो जाता बच्चों दिया दसना नहीं है हालेलुया अरे इन्ने वे वे नशे करते बच्चे मैं समझ नहीं लगता निके निके ओहो कहते दस्यो ना पर खुदा का इन्ना धन्यवाद है कि आजाद हो गए खुदा की हजूरी जो गिणो तो उंगलों दी लाइना खत्म हो जाती इन्ने नशे करते इन तरीके से इन वरायटियां तो बात नाम ही नहीं लैने देते चिलम नागिन ओहो बड़े खतरनाक नशे पर खुदा अनुवाद यीशु नाम का कभी नहीं उतरता नशा है भाई एक बार चढ़ गई नाम खुमारी नहीं उतरती है
हालेलुया। पढ़िए इवे चोर अगे लेके जाना चाहता है तुम जबूर का पुस्त ओदा 100 नंबर से थैंक्सगिविंग देना है आपको दादा साहा भजन साहिता जबूर का पुस्तक ओदा 100 नंबर जबूर और उन्हें मैं पढ़ता है सारा जबूर पढ़ना है आप पांच के वर्सेस है क्या सुनना बड़े ध्यान से लिखा है हे सारी धरती जो यहोवा दे लगा रो आनंद हो के यहोवा दी उपासना करो जय जयकार करते हुए ओदी हजूरी विच आओ जान रखो कि यहोवा ही कौन है यहोवा ही परमेश्वर है यहोवा ही मुक्तिदाता है ओदे तो बिना मुक्ति नहीं है उद्धार नहीं है पापा तो छुटकारा नहीं है यहोवा ही परमेश्वर है कहना जो तुम्हें घर के विच आना है तो कितना आना है उसकी हजूरी च आना तो कितना आना है कहना हे सारे धरती के लोगो यहोवा नु ललकारो आनंद होके यहोवा की उपासना करो आनंद होके बोर होके नहीं जेड़ा बंदा ध्यान नहीं लगाऊगा आराधना दे विच जेड़ा बंदा ध्यान नहीं लगाऊगा प्रार्थना दे विच ते जेड़ा पर्सन खुदा दी हजूरी च आके सीखण दी कोशिश नहीं करूंगा वो कुछ सेक्शन दे विच बोर होंदा ध्यान रखना बाइबल की कहता आनंदित होके यहोवा की उपासना करो जय जयकार करते हुए उसकी हजूरी में आओ घरों गल्लां करते नहीं होना चुगलियां करते नहीं होना निंदा करते नहीं होना बाइबल कहता उसके नाम का जय जयकार करते हुए उसकी हजूरी दे विच आना है हालेलुया प्रार्थना दे विच बैठन लगिया जय जयकार उस्तत करते हुए बैठना धन्यवाद करते हुए बैठना उपकारा याद करके हुए बैठना है कि उन्हें साड़ी जिंदगी के उपर किन्ने उपकार किए ताइया जिंदा है तंदुरुस्त है संभाले गए हालेलुया लेकिन जान रखो कि यहोवा ही परमेश्वर है उन्हें सानू साजिया असी ओदे हाँ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੂਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और यीशु मसीह ने आख दिता कहते मेरिया भेटा मेरी आवाज मैं गल करता जिन्हों खुदा ने जुबान दी आवाज दी और बोलती भी हालेलुया यीशु मसीह कहते मेरिया भेटा मेरी आवाज धन्यवाद करते हुए फाटका के अंदर भी आना अगे लिखिया मैं पढ़ता हाँ धन्यवाद करते हुए फाटका के अंदर उस्तत करते हुए दरबार के आओ बोलो हालेलुया कितना घर आना आनंदित हो गए कुछ लैण की आस दे विच आना है खुदा बंदे को एक हाथ देना ते दूसरे हाथ लेना थैंक्स गिविंग देना है ते अगली थैंक्स गिविंग की बरकत नूं लेना है सारी कलीसिया बोले हालेलुया बाइबल कहिंदा धन्नवाद करदे होए उहदे घर दे विच एंटर करना उहदी हजूरी दे विच एंटर करना है ते बाइबल एक उपदेशक दे विच आखदा कहिंदा जद तू उहदे घर दे विच जाए ते पैर किधर रखना अपने पैर को किदा रखना चौकसी के नाल रखना है अलर्ट हो गए कि शैतान मेरिया सोचा बाहर ना ले जाए मैं हजूरी के बैठा हाँ और इस सैक्शन की बरकत मैं लवा इतना चौकसी के बैठना मैं थैंक्सगिविंग भी बरकत लवान मैं वर्शिप भी बरकत लवान मैं प्रीचिंग भी बरकत लवान मैं तीनों सैक्शन के बरकत लवान इस तरह खुदा की हजूरी के बैठना आनंदित होकर आना खुदा की हजूरी के
हालेलुया। किन्ने समझ पाए लिखा धन्यवाद करते हुए फाटक के अंदर और उस्तत करते हुए उसके दरबार के विच आओ, धन्यवाद करो और उसके नाम को मुबारक आखो। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। बंदा उसके नाम को मुबारक आखूगा जिसकी जिंदगी के विच काम होएगा। कोई बंदा बिना काम तो नहीं बैठा। अरे कद जिंदगी कोई ना कोई चिन्ह चमत्कार होया या ताइया पैसा का उपर मौजूद है। हालेलुया। और बाइबल कहना धन्यवाद करो अते उदे नाम नु मुबारक आखो। जिन्हां दे छुटकारे होए है, जिन्हां नु चंगाई मिली है, जिन्हां नु डिलीवरेंस मिली है, जो भी बरकत मिली है, सुनो बाइबल तुहाडे लई की आखदा कि उहदा धन्यवाद करो ते उहदे नाम नु मुबारक आखो। यहोवा दा भलाया उहदी दया सदीप गया अते उहदी वफादारी पीढ़ियों पीढ़ी दी गया। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। पीढ़ियों पीढ़ी दी गया उहदी वफादारी। उन्हें तुहाडे नाल वायदा कीता, तुहाडी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी दे नाल, तुहाडे पोतियां दे नाल, दोतियां दे नाल वायदा कीता होया। उह कदी कल्ला नहीं छड्डदा। ये बाइबल साडे दादे पड़दादियां ने भी पढ़ी हुई है। परमेश्वर का वचन सदा ही ताजा रहता, अहम रहता, ताजा रहता है। जो मर्जी इन खा लो, जो मर्जी इन ले लो, और एक कार्यशील है, कम करेगा उसी टाइम जब भी अपने हार्ट को ओपन कर देता। बस ओपन करने को पहला थैंक्स गिविंग देना है, एक हाथ धन्यवाद देना है, दूसरे हाथ अपनी बरकत को लेना है, ताकि अगली बार उस बरकत दे रही फिर तो थैंक्स गिविंग दे सके। बोलो हालेलुया हालेलुया। फाइनली वर्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप सब फ्री हैं। इन्हें बरकत लेने में सब तो पहला खोलो, फिर पहला तस्लीमी क्या था पुस्तक, हाथ खड़ा कर दो। पहला तस्लीमी क्या था पुस्तक, हालेलुया मिल गया। तू तो बाइबल पढ़ता नहीं, तेनों कितना मिल गया है, सच्ची मिल गया। बच्चा प्यारा है, बस थोड़ी मरम्मत होने वाली है। सच्ची प्यारा है बच्चा। मिल गया सारे लोग। पहला तो सलूनिका का पुस्तक का पांच नंबर अध्याय उसका 16 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़ता है और उसे सुनना है। बाइबल की कहना थैंक्स गिविंग देने इन्हें सदा आनंद रहो, यानी कि खुश रहो, उदास नहीं होना। उदास मन जेड़ा बीमारी का घर है, उदास मन हड्डियां का साड़ा है। भाई आनंदित रहो, खुश रहो। पीपे चाटा रही है ना, मुंह तो नहीं पता लगना चाहिए। आनंदित रहो, आप अरेंजमेंट करूंगा। बाइबल कहता जेड़े ईमानदार लोग हैं, जेड़े खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, जेड़े खुदा के नाल समय बिताने वाले लोग हैं, उन्होंने लिए खुदावंद खुदा कल दे दिन नु हुक्म करता है कि मेरे लोगों ने इंतजाम किता करना। ईमानदार लोगों नु जरूरत नहीं चिंता करने की कल रोटी किता खावांगे। बाइबल कहता कल दा दिन तुहाडे लई खुद चिंता करूगा कि तुहानू रोटी देनी कित्थों आ। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? और अस्तों तो कोई नहीं चलते, चिंता कर करके कर करके बीमार पै जाते, शुगर की बीमारी लग जाती, प्रॉब्लम हो जाती है, चिंता कर करके बच्चों का फ्यूचर की होगा, स्टडी कितना होगी, बच्चे कामयाब कितना हो गए, वो माँ बाप इसी काम के विच बीमारियां लुआ के बह जाते हैं। माफ करना पर साचा बाइबल कहना सदा आनंदित रहो। पॉल भी कहना है, कहना सदा आनंदित रहो, कहना मैं एक बार फिर कहना है सदा आनंदित रहो। टेंशन फिक्र लिया कुछ नहीं होना,
यीशु मसीह ने क्या कहते चिंता ना हुक्म आया पता ना हुक्म आया यीशु मसीह ने क्या चिंता ना कर फिर जब अभी चिंता करते हैं तो फिर क्यों होता हुक्म टूटता खून ना कर ये हुक्म आ झूठन ये हुक्म आ चिंता ना कर ये भी हुक्म फिर जब अभी चिंता करते हैं तो हुक्म टूटता तो हुक्म टूटता फिर शैतान अंदर होता समझ पाए ओदा नहीं अंदर होगा कभी कभी नहीं ओदा नो डिस्टर्ब कर सकता और डिस्टर्ब उदो करता है जो तो साड़ी जिंदगी जो वचन टूटता है खुदा का हुक्म टूटता है एक दायरा है दायरे के अंदर नहीं बढ़ सकता कोई भी जब तक दायरा एक साइड पर टूटता रहे समझ लो मेरी गल किसान जो खेत में पानी देता ना उतो जिधर मोड़ता उधर जाता है जब तक बन लगे पे अपने आत्मक दायरे के बन जरा टाइट रखो नींह मजबूत रखो अपनी क्योंकि बने ना पाए वचन के बने रहो कभी भी शैतान डिस्टर्ब नहीं करूंगा बाइबल ये भी कितनी लिखा कि मसीह के बीच तुम आ गए बाइबल पढ़ने लग गए तो कभी तो कोई तकलीफ नहीं होगी थोड़े समय क्योंकि वही दया सदा दी बोलो हालेलुया हालेलुया मैं पढ़ता हाँ जो मैं ये चीज नोट करता हाँ देखता महसूस करता अगर किसी से बीमारी आई थोड़े समय के लिए आई अन्ना पद आया थोड़े समय नहीं आया लंगड़ा पद आया थोड़े समय नहीं आया पर वही दया सदा दी आ गई है इंसान की जिंदगी बोलो हालेलुया हालेलुया घबराने की जरूरत नहीं है अगर मरी आ गई या दुख आ गया परेशानी आ गई कर्जा आ गया नो प्रॉब्लम दया बहुत बड़ी है इंसान के लिए तो प्यार बहुत बड़ा है इंसान के लिए बस भरोसा करने की जरूरत है विश्वास करने की जरूरत है बाइबल कहता अनंत करो आनंद करो नित्य प्रार्थना करो नित्य मतलब समझो कौन समझ नित्य बढ़ना रोज राइट रोज आप कितना करते आपा कितना करते कहना हर नित्य प्रार्थना करो मेरी बाइबल तो लिखा कहते नित्य प्रार्थना करो रोज प्रार्थना करो आपा कितना करते जो तो टाइम मिलेगा रोटी किन्नो टाइम चाहिए एक टाइम ना मिले तो कहीं का सिर दुखन लग पाता भूख ना प्रार्थना तंदुरुस्ती मिलती है और शरीर फिट रहता कि मैं सच बोलता पर तुम गौर करो अपनी आत्मा खुराक कि दोगे आत्मा की खुराक बाइबल पढ़ना यानी कि वचना लेना आत्मा की खुराक क्या तीन टाइम प्रार्थना करना जो शरीर को खुराक दें तीन टाइम आत्मा भी खुराक देने की जरूरत है तीन टाइम उसको ज्यादा करोगे तो फायदा तो भला हालेलुया किन्ने समझ पा रहे हैं समझ आ रही है आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना शरीर बाइबल कहता दोनों वर्खिलाफ है एक दूजे के शरीर आत्मा के विरोध के विच है तो आत्मा शरीर के विरोध के विच है एक गल तुहानू गलां दी पुस्तक दे विच पढ़न नू मिलनी है अपने घर जाके पढ़ना पांच नंबर आत्मा शरीर दे विरोध दे विच ते शरीर आत्मा दे विरोध दे विच ताइयों शरीर कई बार आत्मा कहिंदा हुंदा दुआ करनी है पर शरीर कहिंदा हुंदा थक गया गल सही थोड़ी अक्ल ला लो थोड़ी रेस्ट कर लो लक सीधा कर लवां पंजाबी दे विच थोड़ा लक सीधा ना फिर ठहर के उठदा जां उठदी है तो मुड़ के फिर जाके निकल कि मैं सच बोल रहा आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना मैं पहला वर्ष से ही पढ़ाई है नी मजबूत करनी है आत्मा को मजबूत करना शरीर अपने आप हो जाना है नो प्रॉब्लम तीन चार दिन तक तुम रह सकते हैं बिना खाना खाते और बिना पानी पीते फास्टिंग के चले जाओ पर बंधन टूटता नहीं ना कोई फास्टिंग के चले जाओ पेट घटाने लिए नहीं बंधन तोड़ते फैट घटाने लिए नहीं आशीष लेने खुदा ने मुलाकात करने के लिए जो बंदा फैट घटाने के लिए फास्टिंग करता ना
जो फास्टिंग ओपन होती ना वो बहुत ज्यादा फैट दे अप्लाई करके देख लो, अप्लाई करके देख लो, तुम फिर मेरी गल याद आनी है। फास्टिंग करनी है खुदावंद नूं पाउण दे लई, फास्टिंग करनी है अगर तुहाडे कोल प्रेयर नहीं हुंदी ते प्रेयर करन दे लई जिहड़ा काम कर नहीं पा रहा ना उहदे लई फास्टिंग करो कि प्रभु मैनूं बल दे मैं कर सकां, प्रभु मैनूं ताकत दे मैनूं जोर बख्श कि मैं उस चीज नूं हासिल कर सकां, मैं तेरे कोलों वरदान लै सकां, मैं तेरे कोलों पवित्र आत्मा लै सकां। प्रार्थ करन दी जरूरत है फास्टिंग दे विच। बाइबल कहिंदा आनंदित रहो नित प्रार्थना करदे रहो। बाइबल च दो ही बंदिआं दा जिक्र आउंदा है, दानियल दा ते दाऊद दा। इहो ही बंदे सी कि जिहड़े चिपके पए सी खुदा दे, बाकी भी चिपके से पर इन्हों का कुछ खास जिक्र आ गया। दाऊद दिन के तीन बारी प्रार्थना कर रहा है कि मैं सच बोल रहा मैं क्या मैं सच बोल रहा। दाऊद दिन च तीन बारी प्रार्थना करता पक्की गल पता नहीं कि नहीं थले कुछ भी नहीं है। राजा कि फर्जा संभालता अपने परिवार को संभालता रानिया भी बहुत सी उन्होंने भी संभालता अज तक एक नहीं संभाली जाती। माफ करना पर सच्ची गल पर फिर भी दिन च सत बारी दुआ मांगता सी, उस्तत करता सी खुदा दे। और दाऊद दीदी मैं तुहानूं खासियत दसदा खुदा दे नाल इतना चिपकिया होया सीगा जदों इंस्ट्रूमेंट बजांदा सीगा ना ये बजांदे तां कदी कदी रूह तर आंदा आ पर जदों बजांदा सीगा ना दुष्ट आत्मा निकलदियां सी कई लोगां दे विच। जदों सितार गिटार बजांदा सीगा ना बाइबल च जिक्र आ शाऊल नाम का राजा सीगा उहदे विच इवल स्पिरिट सीगा और वो परेशान करता सी जदों बचाउंदा हुंदा सी। इदां दा संबंध सी सत वारी दुआ करना दिन दे विच। मैं कहा ना जिन्ना करोगे दुआ तुहाडा भला। इंग्लिश दे विच कोई कह गया कहिंदा मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर, लैस प्रेयर लैस पावर। प्रार्थना हैगी है तो शक्ति हैगी है, प्रार्थना घट है तो शक्ति घट है, नहीं प्रार्थना है तो शक्ति भी है। प्रार्थना ही है इंसान की जिंदगी जिहड़े ईसाई लोग सच्चे। हालेलुया हालेलुया कहना सदा आनंद रहो नहीं तो प्रार्थना करो हर हाल दे विच की करो की करो। मैं कलीसिया नाल गल करदा कहिंदा हर हाल दे विच की करो थैंक्सगिविंग दे हर हाल दे विच हर दिन दे विच हर मिनट दे विच हर घंटे दे विच खुदा नूं की करो थैंक्सगिविंग दे धन्नवाद दिओ। और लिखिया क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु विच परमेश्वर दी इहो ही की आ इच्छा आ खुदा दी इच्छा आ इह कि तुसीं उहनूं थैंक्स दिओ। समझ पा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा है कि जिन्हों खुदा अपने घर ले आया वो की करे खुदा थैंक्सगिविंग दे धन्यवाद की भेंट चढ़ावे आके कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद तू मैनू अपने घर च लिया तू मैनू जोर बख्शिया कि मैं तेनों थैंक्सगिविंग दे सकता मेरे परिवार के लिए धन्यवाद मेरे लिए धन्यवाद मेरी जॉब लिए धन्यवाद मेरे बिजनेस लिए धन्यवाद मेरी जरूरतों के लिए धन्यवाद जो पूरी कर दें। कहते मसीह यीशु दे विच परमेश्वर की एहो इच्छा है मेरी जिंदगी च कि असीं थैंक्सगिविंग दईए। हालेलुया और लिखिया आत्मा नूं ना बुझाओ जिते मोमबत्ती बुझ गई उत्थे की हो जाना हनेरा हो इदे पवित्र आत्मा साडे अंदर गल इहनूं ना बुझाओ कहते जिहदे अंदर बुझिया होया बंदा आप तां कह सकदा कि मैं पवित्र आत्मा पाया होया
और वो काम नहीं करता। अगर मोबाइल तुहाडे कोल हो ते सिम नहीं हैगी ते वो किसे काम दा? गेम गूम खेल सकदा है। शरारती बच्चों के जवाब इदे ही हुंदे। इस शरीर तद तक परमेश्वर दे किसे काम दा नहीं है जद तक इहदे अंदर पाक रूह नहीं, जद तक इहदे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तद तक कनैक्शन उत्थे पहुंचना नहीं। बिना पवित्र आत्मा दे उत्थे कनैक्शन पहुंच नहीं सकता। तुहाडा मेरी गल याद रखो। इसलिए बाइबल कहता आत्मा नु ना बचाओ, अपने जोश नु खत्म ना करो, अपने जोश नु खत्म ना होने दो, जोश नु बरकरार रखो कि आज भी मैं खुदा को बरकत लेनी ते कल भी लेनी, आज नहीं मिली ते कल मिलोगी, कल नहीं मिली ते परसों मिलोगी, डेफिनेटली मिलोगी, क्योंकि उहदी दया सदा दी है, पीढ़ियों पीढ़ी की उहदी दया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहता आत्मा नु ना बचाओ, आगम वाकां नु तुच्छ ना जाणो, सबना गल्लां नु परखो, हर प्रकार के पाप तो, हर प्रकार की मखोलिया की जुंडी तो, कहिंदा दूर रहो, नशेड़िया तो दूर रहो, बुरी संगत वाले को दूर रहो, बुरे ख्याल वाले को दूर रहो, बुरे अल्फाज वाले को दूर रहो, क्योंकि बाइबल कहता माड़ी संगत चंगे चाल चलन नु की कर देंदी है, की कर देंदी है, बिगाड़ देंदी है। चंगा भला बच्चा माड़ी संगत दे विच ना जाएगा ते उना वर्गा हो जाएगा जे वो कमजोर आता। हालेलुया, इन्हें समझ पा रहे हैं। हुण थैंक्सगिविंग देनी है सी खुदा, की करना है अपने घुटनिया के आचे कि मैं बरकत तुहाडे लई मांग दिया खुदा दे कोल। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यहोवा परमेश्वर, खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा पाक रूह दे जीवित नाम दे विच मैं चाहता हूं कि प्राणी अपने घुटनिया के आचे भी अपने हाथों नूं स्वर्ग दे वल उठावे और खुदा वल नूं थैंक्सगिविंग देईए। धन्यवाद प्रार्थना दी, सिर्फ एक मिनट है तुहाडे कोल, फिर आप फ्री हैं सारे। मैं चाहता हूं बाइबल कहता यीशु मसीह च परमेश्वर की यही इच्छा है तुहाडे लई कि तुसीं उहनूं धन्यवाद दिओ। हर एक जरूरत दे लई, हर एक परेशानी तो बचाउण दे लई, हर एक उलझन तो बचाउण दे लई, हर एक दुखां तो बचाउण दे लई खुदावंद नूं थैंक्सगिविंग देईए। असि परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मां बाप के लिए धन्यवाद करिए। यस फादर, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करिए, चंगाई के लिए धन्यवाद करिए, नरम होने के लिए धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए। परमेश्वर की यही कोई इच्छा है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। रबा सिरे बारा बखा रबा रा बारा दा ओदी दया सर्वदा इंसान की जिंदगी ते बड़ी रहती है। प्रभु अच्छे साहा देनी जिते साहा देनी जिते जिंदगी दे धन्यवाद मेरे परमेश्वर बेटा। मुबारक हो पुरानी खुदावन जो भरोसा रखता है मेरे खुदावन, और तुम शर्मिंदा भी देंदे ओदा मुंह कोई काला नहीं होंदा मेरे परमेश्वर जिहड़ा तुहाडे ते भरोसा रखदा। प्रभु जी असीं धन्नवाद करदे आं, तुसीं सारियां जरूरतां नूं पूरा कीता, सारियां जरूरतां नूं पूरा कीता, तकलीफां पारियां आईयां, परेशानियां आईयां पर यीशु दे नाम चों चलियां गईयां। मेरे प्रभु जी तुहाडा वचन सानूं तसल्ली दिंदा, तुहाडा वचन सानूं हौसला दिंदा आ, तुहाडा वचन सानूं जोर बख्शदा आ खुदावन, तुहाडा वचन किसे नूं टुकड़ा कर दिंदा आ मेरे प्रभु जी, तुहाडा पवित्र आत्मा इंसान नूं स्ट्रांग कर दिंदा आ मेरे परमेश्वर बेटा। मैं चाहुंदा प्रत्येक जन पाप रूह दी भरपूरी तूं लै लवे मेरे परमेश्वर बेटा। पवित्र आत्मा खुदावन जो बोतियां है लोगों की जिंदगी तू चाबड़े पाए यीशु मसीह के नाम च, वो तेज ना मिले तुहाडे लोगों नूं खुदावन। मैं यीशु दे नाम दे विच मेरे खुदावन खुदावन मेरे प्रभु फिर खड़े होने मेरे प्रभु, फिर
फिर मजबूत होने मेरे प्रभु जी, फिर तुहाडे काम करन मेरे प्रभु, फिर तो अपने दुआ वाले रूल च जान मेरे प्रभु, फिर तो अपने प्रार्थना वाले रूल दे विच जान मेरे खुदावंद। यीशु तेरे जीवित नाम दे विच दहोणे पाए मेरे प्रभु जी, असि भी खुदावंद दानियल की तरह तीन दिन तीन बार प्रार्थना करिए मेरे प्रभु, दाऊद की तरह सात बार प्रार्थना करिए खुदावंद, असि खुदावंद तुहाडे नाल बने सही बने रहिए मेरे परमेश्वर पिता। यीशु आप जो परमेश्वर दी यही इच्छा सारी जिंदगी च मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अंदर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो थोड़े लोग मेरे प्रभु अपने बहुत कीमती समय जो कद के आए ने प्रभु, मैं थोड़ा दास होने के नाते थोड़े दिते अधिकार के नाल एक एक पूरे उपर खुदावन एक एक आशीष और बरकत की मांग करता है मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, वड़िया बरकत लेने के हकदार हो मेरे परमेश्वर, शुक्र करते हैं प्रभु, इस तरह आने के मदद और सहायता की, वापस जाने से भी मदद और सहायता करना। मेरी बेनती है कि अपने जलाली दूतों को हुक्म दे दो, तुहाडे बच्चे के अंग संग हो जाए मेरे प्रभु, और जब तुहाडे बच्चे अपने रहन बसेरे के पहुंचते हैं तो तुहाडा शुक्र अदा करन मेरे प्रभु, और मेरी बेनती है खुदावंद असीं सारे सैक्शन के बरकत पाईआं है मेरे प्रभु, थैंक्सगिविंग चो बरकत पाई, वर्शिप चो बरकत पाई, और असी प्रीचिंग दे विच भी बरकत पाई है मेरे प्रभु, अच्छा सीखण नूं मिलिया प्रभु, बीते साल दे विच संभाल के रखिया, महीनिया हफ्तिया दिनां सकिंटां पिंटां च संभाल के रखिया प्रभु, तुहाडा धन्नवाद है। आने वाला साल जो साडी जिंदगी च तुसीं बख्शण जा रहे हो मेरे प्रभु, मैं तुहाडा दास नूं देना ते तुहाडे अगे बेनती करना, तुहाडे लोगां दे लई और अपने लई अपने परिवार दे लई, कि इह आने वाला साल आशीष दे नाल भर जावे प्रभु, बरकत दे नाल भर जावे मेरे प्रभु, यीशु तेरे जीवित नाम दे विच मेरे प्रभु, बंद दरवाजे खुलने पाउण मेरे प्रभु जी, धन्नवाद करे तां नहीं मिलिया प्रभु, ओ 2021 च मिले मेरे प्रभु जी, धन्नवाद करदे आं खुदावंद, रसीब करदे आं इस ब्लेसिंग्स नूं मेरे परमेश्वर पिता जी, धन्नवाद करदे आं खुदावंद, 2021 नूं आशीष में बनाउंदे आं मेरे प्रभु जी, धन्नवाद करदे सारी दुनिया के उपर आशीष में हो जावे मेरे प्रभु जी, धन्नवाद करदे आं प्रभु, थोड़े लोग अपनी नेक कमाई के दस दसवंत लेके सौ गुणा करके बरकत और बड़ी आशीष पाना, मेरी बेनती है मेरे प्रभु, जिस तरह कर्नेलियुस दान के ऊपर थोड़ी नजर पै गई, विधवा की दो कमड़िया के ऊपर नजर पै गई, मेरी बेनती है थोड़े बच्चों के दान के ऊपर थोड़ी नजर पै जाए प्रभु, जिन्हें हालात के दे रहे थोड़े कमां के हालात बदल जाए मेरे प्रभु जी, ब्लैसिंग की घोषणा कर देना है मेरे प्रभु जी, फाइनेंस ब्लैस हो गए यीशु मसीह के नाम च मेरे प्रभु, धन्यवाद करते अज के कलाम का जो बीज है साढ़े दिलों की चंगी जमीन से जाके डिगे तो सौ का सौ गुणा फलदायक हो गए मेरे प्रभु, और वड्डिया बरकतों हासिल करने के हकदार हो जाए, धन्यवाद के नाल प्रार्थना में यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम च होके मंगते हैं, साडे पिता का प्यार प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगत साडे सारिआं दे नाल प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तों लै के खुदावंद दी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से तुहानू सबनां नू शांति मिले।